स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम लोगों ने कल इसके इस पर थोड़ा सा डिस्कस हम लोग किए थे, आज इस पर हम लोग ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कैसे हम रूट टू को अंडर लाइन में शो करते हैं, तो जब भी किसी अंडर रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे शो करते हैं तो हम पहले उसको एक स्टेप पीछे, यानी कि अगर कोई n है तो जब इसको अंडर लाइन पे शो करेंगे तो हमको पहले इसका एक कम, इससे एक कम यानी n माइनस वन वाले नंबर को नंबर लाइन पे शो करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोगों ने कल दिखाया था अंडर रूट टू को नंबर लाइन पे, अंडर रूट टू को कैसे दिखाया था, एक लाइन ड्रा किया था 0, 1, 2, 3। यहाँ पे जब हम अंडर रूट टू लिए हैं तो हम इससे एक कम यानी क्या ले लेंगे 1, यानी पहले हम 1 को इस अंडर लाइन पे शो करेंगे, फिर जहां से यह 1 था वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, और इस परपेंडिकुलर पे फिर हम इसी 1 यूनिट वाला लेंथ कट कर लेते हैं, ले लेते हैं, और इसको इस O से यानी अगर इसको 0 कहें तो हम 0 से ऐसे मैच करते थे और यही मानते हैं P पे कट कर रहा है। अब हम यही 0P चाहे O को, चलो O मान लेते हैं, OP लेंथ लेके एक आर्क ऐसे कट करते थे और यह आर्क इस लाइन पे जहां काटता था मानते हैं M पॉइंट है, यही मेरा M पॉइंट क्या था अंडर रूट 2 होता था, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं इसी में अंडर रूट 3 को, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके होगा मन में कि अगर अंडर रूट 3 किया जाएगा तो हम इससे एक कम क्या ले लेंगे, तो हम इससे एक कम ले लेंगे क्या अंडर रूट 2। तो हम थोड़ा इससे इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, फिर देखिएगा एक बार, ठीक है। देखो अच्छा, ये मेरा था क्या अंडर रूट 2, इस पॉइंट पे था ना रूट टू, ठीक है। पहले हम इसको शो करेंगे, अंडर रूट 3 को शो करने के पहले हम अंडर रूट 2 को लाइन पे शो करेंगे। तो पहले मैं क्या था अंडर रूट 2 यहाँ पे था, अब हम यहाँ पॉइंट था, अब हम यहाँ से क्या करेंगे फिर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया, अब हम यहाँ से इस परपेंडिकुलर पे फिर वही एक यूनिट मानते हैं, एक यूनिट नाप थे मान लो यन है, हम 1 यूनिट यहाँ से कट कर लिए, यम से हम 1 यूनिट की लंबाई ले लिए, अब इसको फिर से हम यन ओ को क्या करेंगे मैच कर देंगे, ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, यन ओ को मैच कर देंगे। अब मेरा ये यहाँ पे क्या बन जा रहा है ओ एन एम इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जब हम निकालेंगे ओ एन की लंबाई स्क्वायर बराबर तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ओ एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, ठीक है। जब ये निकालेंगे तो देखो यहाँ पे मेरा यह पूरी लंबाई ओ से लेकर एम तक क्या था अंडर रूट 2 मिल जा रहा है, ठीक है, अंडर रूट 2 किया है ना पहले यहाँ पे, तो अंडर रूट 2 मिल जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और दिस इज एम एन इज 1 यूनिट यानी 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, यानी कि जब ओ एन का स्क्वायर शो करेंगे ओ एन इज इक्वल टू हाउ मच प्लस माइनस, लेकिन माइनस को हम छोड़ देते हैं, क्या मिल जाएगा ओ एन बराबर क्या मिल जाएगा अंडर रूट 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा यह जो लेंथ है क्या जाएगा अंडर रूट 3, लेकिन क्योंकि मुझे इस लेंथ को इस लाइन पे शो करना है ना, तो फिर वही चीज यहाँ से ओ एम लेके लेंथ एक आर्क काटेंगे और यह आर्क अब इस लाइन पे मानते हैं कहाँ काट रहा है आर्क पे, तो यही मेरा पॉइंट आर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। तो ऐसे हम अंडर रूट 3 को भी लाइन पे शो करेंगे। तो यह था मेरा अंडर रूट 3 को दिखाना, ऐसे ही अगर मुझे अंडर रूट 4 नहीं, अंडर रूट 4 मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर, और मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वह इरेशनल नंबर नहीं होता रेशनल होता है। तो हम जब ऐसे जब थोड़ा बात करते हैं किसकी रूट 5 की, रूट 5 को कैसे अंडरलाइन करेंगे दिखाएंगे, तो फिर वही चीज इस रूट 5 को दिखाने के लिए पहले हमको अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 मतलब 2 को लाइन पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सीखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखो तो पहले हम जब अंडर रूट जब 5 को शो करेंगे यानी कि मुझे रूट 4 का मतलब क्या होता है 2,
यानी कि हम पहले 2 यूनिट ले लेंगे, ठीक है ना। बात समझ रही है भाई? जब रूट 5 था तो मैंने क्या बोला हूं, मैंने आपसे बोला है कि जब रूट 5 को शो करेंगे तो हम इससे एक कम यानी कि रूट 4 को शो करेंगे। रूट 4 मतलब क्या होता है, 2 यूनिट, यानी कि पहले आप इस ओ से पहले 2 यूनिट की लंबाई ले लोगे, ठीक है। तो मेरा यह हो जाएगा 2 यूनिट। अब हो जाएगा, मानते हैं यह ओ है, यह आ जाएगा आ। अब इस आर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सीधे, और इस परपेंडिकुलर पे हम 1 यूनिट के लेंथ कट कर लेंगे। यहाँ पे मानते हैं यस, सॉरी यह मानते हैं यस 1 यूनिट। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे, एंड नाउ दिस ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर। ओ आर मतलब 2 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, यानी कि जब ओएस निकालेंगे तो रूट ओवर 5, यह मेरा क्या आ जाएगा रूट ओवर 5। और फिर अब हम इस ओएस को क्या मान के, रेडियस मान के एक आर कट करेंगे, और यह जहां काटेगा पी, मानते हैं पी पे, यही मेरा पी पॉइंट क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। तो ऐसे हम बहुत सारे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो प्लीज पूछ दे।